हेलो नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, यदि आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी स्टेनो की जो स्पीड होगी वो अवश्य बढ़ेगी और कंटिन्यू आपको सिर्फ 45 डेज तक, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को फॉलो करना है, अच्छे से उस चीज को तैयार करना है। ज्यादा बाउंडर कुछ नहीं करना है अपने को। अपने को ये नहीं करना है कि अपन को 20 डिक्टेशन रोज लिखनी है, 40 लिखनी है, 50 डिक्टेशन मेरे को लिखनी है, तो ये फंडा भूल जाओ। आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन के अंदर स्पीड ले आऊं, 3 दिन के अंदर ले आऊं, 10 दिन के अंदर आ जाए, 20 दिन के अंदर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। स्पीड के अंदर आपकी स्पीड आ जाएगी, आप 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, 100 की स्पीड से आप लिखने लग जाओगे, लेकिन आप प्रत्येक शब्द को 100 की स्पीड में लिखना मुमकिन नहीं बना सकते। तो उसके लिए जो टिप्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन टिप्स पे आप वर्क करना। सिर्फ 45 डेज और 45 दिन के अंदर आपकी स्पीड, यदि आपकी स्पीड 80 की है तो आप श्योर 100+ के आसपास आप पहुंच जाओगे। यदि आपकी स्पीड 40 है, 60 है, तो आप अप्रोक्सीमेट 100 की स्पीड आप कवर अप करने लग जाओगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं, वो टिप्स क्या है अच्छे से देखना, एक एक टिप्स मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यू ट्रायड, तो रूल नंबर वन यानी टिप्स नंबर वन, यहां पे टिप्स मैंने लिख दिया। पहला टिप्स क्या है, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसके अंदर आपको चार पांच चीजें बताऊंगा कि आपकी स्टेनो की स्पीड है वो कैसे इंक्रीज की जाए, आपकी टाइपिंग स्पीड है वो कम आ रही है वो कैसे इंक्रीज की जाए, और किस वे से अपन तैयारी करें वो चीज भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहें। आइए, पहला टिप्स है निरंतरता। निरंतरता मतलब रेगुलरिटी। आपको करना क्या है, एक अपना शेड्यूल क्रिएट करना है मॉर्निंग का, इवनिंग का। मैंने कहा रात में, दिन में आप कुछ भी करो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। निरंतरता आपको रखनी है 4 घंटे की, 4 आवर शेड्यूल। चार घंटे का शेड्यूल आपको फिक्स करना है। इसमें करना क्या है, आपको 4 डिक्टेशन लेनी है। क्या लेनी है, 4 डिक्टेशन लेनी है, वो भी आपको सीन, उनकी आउटलाइंस। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आउटलाइन कभी भी स्वयं बनाने की कोशिश मत करना। फिलहाल आप 40, 60, 80 की स्पीड में लिख रहे हैं, तो आपको आउटलाइन स्वयं को कोई भी आउटलाइन क्रिएट नहीं करनी है। आउटलाइन वही क्रिएट करनी है जो वास्तव में आपको लगे कि ये इजी है, मैं याद कर सकता हूं, क्योंकि सिस्टम पहले से बना हुआ है। उस सिस्टम को अपन को क्या करना है, फॉलो करना है। अपना स्वयं का दिमाग इसके अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेनो जिसने बनाई थी उसने स्वयं दिमाग लगा के कुछ चीजें यहां पे क्रिएट की है, तो उस चीज को ध्यान में रखना है। 4 डिक्टेशन आपको डेली लिखनी है, और वो भी कैसे, DICTATION, डिक्टेशन विद आउटलाइन। क्या करनी है, डिक्टेशन विद आउटलाइन के साथ में आपको क्या करनी है, 4 डिक्टेशन पर डे क्या करना है, बनाना है। इसमें ऐसी चीज होगी कि आप एक दिन पहले हिंदी लिख ले, हिंदी लिख ले, हिंदी आप लिखोगे तो इसके अंदर बेनिफिट क्या है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी क्या लिखनी है, मेरे को तो डायरेक्ट स्टेनो लिखनी है ना, हिंदी की तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा मत करना दोस्तों, आपको क्या करना है, हिंदी आपको लिखना है। जैसे आपने एक लाइन में हिंदी लिखी, एक लाइन आपने ब्लैंक छोड़ दी स्टेनो के लिए, फिर एक लाइन हिंदी लिखी, फिर एक लाइन स्टेनो के लिए ब्लैंक छोड़ दी, तो ऐसी सीरीज आपको अलग से नोटबुक तैयार करनी है। 4 नोटबुक आपको लानी है, उन 4 नोटबुक के अंदर करना क्या है, 4 डिक्टेशन, सेम डिक्टेशन आपको नहीं लिखना है,
चार डिक्टेशन, पहली डिक्टेशन तो लिखनी है आपको रामधारी। यदि आप शुरुआती हो, बेसिक हो, तो रामधारी का आपको हिंदी लिखना है, देन आउटलाइन लिखना है। रामधारी के आपको 400 शब्द हिंदी लिख लेना है, एक दिन का टाइम है, आप आराम से लिख लो। दूसरा आपको करना क्या है, लीगल। रामधारी के आपने 400 शब्द लिखे, अच्छी बात है। लीगल के आपको क्या करना है, 150 से 250 शब्द लिखने हैं, केवल केवल हिंदी लिखनी है। तीसरी चीज यहां पे आ जाती है, आपके जो जनसत्ता है उसके आपको 400 से लेकर 500 शब्द की हिंदी लिखनी है। और चौथा आता है अपने पास में, जो आपके कोई भी जो भी वैकेंसी है जिस स्टेट के अंदर है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक लेना है उस स्टेट का न्यूज़पेपर। जैसे मध्य प्रदेश का अलग आता है, राजस्थान का राजस्थान पत्रिका आता है, ऐसे जहां पे आप निवास कर रहे हो वहां पे आपके पास में न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर एक कहानी होती है। तो कहानी मिनिमम 400 शब्दों के आसपास आपको लेनी है। ये शेड्यूल आपको बनाना है, 45 दिन के लिए फॉलो करना। यदि आप दुनिया का कोई भी शब्द हिंदी के अंदर और स्टेनो पे आप नहीं बना पाओ, फिर हमसे कहना कि आपने जो बताया वो हमने फॉलो किया और फिर भी हमारी स्पीड नहीं बढ़ी, तब हम जानेंगे कि आपने किया क्या है और हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं करवाता हूं, करवाता आया हूं, बोलता हूं। लोग यदि फॉलो करते हैं, यदि आप फॉलो करते हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, अवश्य क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपन को करना क्या है, रामधारी कंटिन्यू रखना, लीगल कंटिन्यू रखना, जनसत्ता कंटिन्यू रखना, और एक स्टोरी क्या करनी है अपन को, कंटिन्यू निरंतर रखनी है दोस्तों। डिक्टेशन आपको लिखनी है, आउटलाइन जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रामधारी गुप्ता सीरीज वन आपके चल रही है, वो उसको फॉलो करना है। कुछ समय में अपन एप्लीकेशन भी ला रहे हैं, तो उसके अंदर रामधारी पार्ट टू भी मिलेगा, लीगल भी उसके अंदर मिलेगी, जनसत्ता भी मिलेगी और कहानी भी मिलेगी। लीगल यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, लगभग 30-32 के आसपास वीडियोज हैं जो आप अच्छे से देख के लीगल पे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। जनसत्ता आपके कंटिन्यू चल रही है, कुछ स्टोरियाँ भी आपके उसके अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो उसको अवश्य जाके आप ट्राई करें। ये तो बात रही अपनी डिक्टेशन की, इसके अंदर आपकी हिंदी शुद्धि हो जाएगी, हर वर्ड पे आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी, ताकि आप दुनिया का कोई भी शब्द आराम से स्टेनोग्राफ के अंदर बना सकोगे। नेक्स्ट अपने पास में चीज आती है टाइपिंग। ये तो रहा स्टेनो का पोर्शन, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। टाइपिंग स्पीड, तो दोस्तों कमियां क्या होती है, टाइपिंग स्पीड आपकी नहीं आ रही है, 20 आ रही है, 40 आ रही है, 60 आ रही है, बढ़ी क्यों नहीं रही है, 70 क्यों नहीं आ रही, 75 क्यों नहीं आ रही, तो उसका रीजन देख लेना। फर्स्ट रीजन है हैंड, आपके जो हाथ हैं वो कीबोर्ड को टच नहीं होने चाहिए, कीबोर्ड को टच नहीं होना चाहिए। हाथ का मतलब यहां पे है हथेली से, जो आपकी हथेली होती है वो टच नहीं होनी चाहिए। आपकी 10 अंगुली कीबोर्ड पर होनी चाहिए, 10 अंगुलियां कीबोर्ड पे होनी चाहिए, अच्छे से उसको रखो। दूसरा नियम यहां पे मैं बता देता हूं, ये तो फर्स्ट नियम है जो सबको मालूम है, हो सकता है सभी को पता है। अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि आप हथेली को ऊपर रख रहे हो, तो आपकी जो 10 अंगुलियां हैं वो कीबोर्ड पे थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कीबोर्ड पे रख लिया और फिर अपन टाइपिंग करने लग गए, पूरा प्रेशर पूरा दबाव उस पर डाल दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपके जो चीज आती है मेन चीज, आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो तो पहला वर्ड जब तक कंप्लीट टाइप नहीं हो तब तक आपकी नजर दूसरे शब्द पे नहीं जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपके गलतियां बहुत ज्यादा होगी, आपकी नजर स्ट्रेट होनी चाहिए, जिस शब्द को आपको टाइप करना है उस शब्द पे होनी चाहिए। जैसे ही वो शब्द कंप्लीट हो जाए, अगले केवल एक शब्द पे आपकी क्या जानी चाहिए, नजर जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो पूरे पैराग्राफ को खुल के अपन देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, ऐसा
नहीं होना चाहिए। तो यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। चलो मिलते हैं आज के लिए इतना ही टिप्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।